अतिशय प्रतिष्ठित अशा कॅप्टन चषकाचे आयोजन येरवडा येथील गोल्फ कोर्स येथे करण्यात आले होते. या गोल्फ स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या वर्षाचा दिवेश वाधवान हे यंदाच्या कॅप्टन चषकाचे मानकरी ठरले, तर अविनाश देवस्कर यांनी द्वितीय, तर कालिया पी सी यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला. या स्पर्धेचे आयोजन येरवडा गोल्फ कोर्सचे कप्तान व आयोजक इक्राम खान यांनी केले होते. या स्पर्धेत दुसऱ्या गटात शौर्य खंडेलवाल प्रथम, संजीव हुकमनी द्वितीय, अजय पाटील यांना तृतीय क्रमांक मिळाला. तिसऱ्या गटात संजीव भाटिया प्रथम, रत्नाकर कर्वे द्वितीय, जगदीप सिंग तृतीय असे विजेते होते. तर चौथ्या गटात प्रदीप नाडकर्णी प्रथम, सुहास ठक्कर द्वितीय, तर प्रकाश गुगले तृतीय क्रमांक मिळाला. सर्व विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते चषक आणि बक्षिसे देण्यात आली. यावेळी गोल्फ क्लब येरवडाचे कप्तान इक्राम खान यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. मैं इक्राम खान हूँ, गोल्फ कैप्टन पूना क्लब का. अब दो दिन से टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें सब कैटेगरीज अलग अलग है. यानी फर्स्ट जो है जूनियर्स, तो 8 साल से लेके तो 15 तक थे बच्चे लोग खेल रहे. फिर एक कैटेगरी जो सीनियर्स है, उसमें सीनियर मोस्ट जो खेले वो कर्नल मान, वो 86 ईयर्स के. और फिर एक दूसरे खेले जो मिकी बरुचा है, वो भी 85 ईयर्स के. ऐसे मिला कि सब टोटल 250 गोल्फर्स सब जगह से आए थे. उसमें आर्मी कमांडर जनरल सेठी थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश जी खेल रहे थे, फिर पूना क्लब के वाइस प्रेसिडेंट गौरव गड़ोक, इंद्रनील खेल रहे थे. तो पूरे सब टॉप गोल्फर, जो प्रोफेशनल गोल्फर है, रोहन डोले पाटिल है और प्रणव मालडीकर है, ये सब भी खेले थे. ये बेसिकली हमारे को क्या स्पोर्ट्स प्रमोट करने का, गोल्फ प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए ये टूर्नामेंट में सब जन को बुलाया है, सब जन इन्वॉल्व हो. और 250 गोल्फर्स बोले तो बहुत ज़्यादा है, बट एडजस्ट हो गया और अच्छे से हो गया, स्मूथली हो गया टूर्नामेंट. और पूना क्लब के मेम्बर्स सब जगह से आए थे खेलने, और पूरा सपोर्ट हमारे को क्लब से मिला, इसलिए इतना ये सक्सेसफुल हो गया. कितने साल से हो रहा है ये गोल्फ कोर्स? 100 ईयर्स हो गए, 100 साल प्लस है.